नमस्कार, जोहार, आदाब, प्रणाम। आप देख रहे हैं समाचार आज तक। गोड्डा डबल मर्डर केस में दो आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा जिला मुख्यालय में दो दिन पूर्व बुधवार को घटित दोहरा हत्याकांड के आरोप में पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दो अपराधियों में से एक कांड का नामजद अभियुक्त है। घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक YS रमेश ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में दी। गिरफ्तार अभियुक्तों में से सुमेश सिंह पिता स्वर्गीय बजेंद्र सिंह साकिन रोतारा दोहरा हत्याकांड का नामजद अभियुक्त है, जबकि राजा कुमार सिंह उर्फ बजरंगी सिंह पिता प्रेम सागर सिंह साकिन बुलनी कुशहा थाना शंभूगंज जिला बांका कांड का अप्राथमिक अभियुक्त है। पुलिस अधीक्षक श्री रमेश ने बताया कि हत्याकांड में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संघ छापामारी कर रही है। बताते चले कि 30 सितंबर को अपराहन करीब 3:30 बजे जिला मुख्यालय के रोतारा चौक के आगे सराज सड़क ट्रैक्टर शोरूम के सामने स्थित एक सैलून में गोलीबारी करके अपराधियों ने दो युवकों को मौत की नींद सुला दिया था। घटना के संबंध में मृतक विनय पासवान के पिता सुरेश पासवान के फर्द बयान पर कृष्णा सिंह पिता सुमेश सिंह साकिन रोतारा नीरज कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पिता स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह साकिन दियारा एवं सुमेश सिंह पिता स्वर्गीय बजेंद्र सिंह साकिन रोतारा समेत दो अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा कांड में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए गोड्डा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। ये दिनांक 30/9/2020 में जो रोतारा चौक में एक सलून शॉप में शूट आउट हुआ था, डबल मर्डर हुआ था उसमें, जिसमें विनय पासवान और एक बर्बर सलून का जो ओनर जो है मर गया था। उसमें हम लोगों ने एक त्वरित गति से काम करते हुए एक टीम गठित किया था DPO सदर के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर टाउन और मुफस्सिल थाना प्रभारी के नेतृत्व में। और आज सुबह जो है हम लोग ने एक अपराधी कर्मी जो उसमें शामिल था बजरंगी सिंह, उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और एक नामजद अभियुक्त सुमेश सिंह, उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आज सुबह जब पुलिस द्वारा शंभूगंज थाना अंतर्गत गुलनी कुशा गांव में रेड करने के क्रम में तीनों जो मुख्य अभियुक्त थे, जो कृष्णा सिंह, गुड्डू सिंह और अभिषेक सिंह, ये तीनों एक जगह पर छिपने की बात हमारे पास इंफॉर्मेशन मिला था, तो उसी क्रम में हम लोग, हमारा टीम वहां पर रेड करने के क्रम में जो तीनों अभियुक्त फायर खोल के 10 राउंड का फायर उन्होंने किया, फायर पुलिस के ऊपर किया है और पुलिस भी जवाब भी दिया है उसमें, बट कुछ वो लोग फायर करते हुए भागे हुए हैं। और हमारे DPO सदर अरविंद सिंह को जो है कुछ चोट भी लगा है उस फायर में, फायरिंग में। और हम इसके बारे में भी, हमने SP बाका साहब को भी एक FIR दर्ज करने के लिए भी लिखा है और उस पर तीनों के विरुद्ध जो है FIR भी हो जाएगा और जो भी शेल्टर दिए हैं वहाँ पर क्रिमिनल्स को, उनके ऊपर भी FIR दर्ज करने के लिए हम लोगों ने बाका SP साहब से बात कर लिया है। अभी हम लोग इस केस में और अपराधी कर्मी बाकी है, उनको गिरफ्तार करना बाकी है, हम लोग उस पर लगे हुए हैं। इस केस में जो क्राइम में इन्वॉल्व किए थे, जो गाड़ी इस्तेमाल जो किए थे, वो हम लोगों ने रिकवरी कर लिया है उसी जगह पर जो शंभूगंज थाना अंतर्गत जो आज सुबह रेड हुआ था वहाँ से। और बाकी का कार्रवाई जो है हम लोग त्वरित गति से अपराध कर्मी को जो है हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें नामजद अभियुक्त कितने हैं? नामजद अभियुक्त अभी हम लोग को 3 नामजद अभियुक्त दिया गया है FIR में, बट अभी हमारे अनुसंधान के क्रम में और बहुत सारे लोग का नाम आ रहा है, हम लोग उस पर भी रिपोर्ट कर रहे हैं। सर, अगर बिहार से बोरो के रूप में भी यहाँ पे आया क्राइम करने के लिए, तो हम लोग उसका अनुसंधान कर रहे हैं। बिहार से ही जो बजरंगी सिंह जो है वहाँ से, बिहार से ही आया था और यहाँ पर प्लानिंग हुआ, फिर बाद में जो है इनको मर्डर किया गया है, तो वो बिहार से भी फ्लो हुआ है क्रिमिनल्स, तो इसलिए हम लोग जो है जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका लिस्ट बनाकर जो हम लोगों ने बाका SP साहब को भी शेयर कर दिया है, वहाँ से भी कार्रवाई करने के लिए बताया गया।
अभिषेक की जो बात आ रही है वो भी बिहार से? हाँ, बिहार से ही है, वो उसी गांव के हैं जो गुलमी कुशा, उन्हीं उसी गांव से हैं। सर बेसिकली क्राइम का मोटो क्या था? मोटो यही था कि इन लोगों के बीच में जो विनय पासवान और जो जो मुख्य अभियुक्तगण है उनसे जो है पहले दो महीने पहले या बीच बीच में बहुत सारा विवाद लड़ाई झगड़ा होता रहता था, और इसी क्रम में जो है कुछ रिवेंज आपसी रंजिश में ये सभी जो है कांड का घटना का जो है अंजाम दिया गया है। सर गैंगवार का भी मसला है क्या? अभी हम लोग उस पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी अनुसंधान में, जब तक हम लोगों को जो अपराधकर्मी सभी पकड़ा जाएंगे तब जो है हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि गैंगवार है या आपसी रंजिश में ये कांड किया गया है। रंगदारी वगैरह से जुड़ा नहीं, रंगदारी का अभी बात नहीं है। घटना में प्रयुक्त